दिल्ली के रानी बाग में आवारा कुत्तों की मदद के लिए गए एनजीओ के सदस्य के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। नेबरहुड बूफ नामक एनजीओ चलाने वाली आयशा क्रिस्टीनिया का कहना है कि दिल्ली के रानी बाग में कुछ आवारा कुत्तों की मदद के लिए वह अपने सहयोगियों के साथ वहां पहुंची थी। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उनके साथ मारपीट की। लहूलुहान हालत में आयशा ने ट्विटर पर वीडियो जारी कर अपनी आपबीती बताई। दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज रूटीन, दिस इज नाउ रूटीन इन आवर कंट्री। ओके, दिस इज व्हाट we have become used to dealing with. It's nothing new. This is what happens all the time. We keep talking to you about the kind of stuff that happens to me. I'm standing outside the duty officer at Azadpur station. We have just been beaten up while we were catching dogs. Somebody came and spoke to our staff badly as usual. We are supposed to shut up and take this nonsense all the time. So when we decide to stand up and for our voice to be heard, this is what is done to us. पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि एनजीओ के लोगों से स्थानीय लोगों ने उनके बारे में पूछताछ की। इस दौरान इन लोगों के बीच कहासुनी हो गई। जब एनजीओ के लोगों ने वहां से भागने की कोशिश की तो वहां मौजूद कुछ लोगों को गाड़ी से टक्कर लगी और तीनों लोगों को मामूली चोटें आईं। मामले की जाँच की जा रही है। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।